हेलो गेट्स एट फ्लायर्स, गौरव हियर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके यूट्यूब पे समांथा टॉमलिंसन ने अपने सिर के सारे बालों को गिना था, जिसका रिजल्ट सिर्फ 20,000। यस 20,000। लेकिन क्या सच में हमारे सर पर सिर्फ इतने ही बाल होते हैं? वेल, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं ये दावा नहीं कर रहा। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन ने 50 लोगों पे सर्वे कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने सबके बालों को मैन्युअली गिना था, जिसमें उन्हें ये पता चला कि ऑन एन एवरेज ह्यूमन हेड के हर स्क्वायर इंच में 800 से 1290 जितने बाल होते हैं, और ऑन एन एवरेज ह्यूमन स्कैल्प 100.75 इंच स्क्वायर बड़ा होता है, मतलब उसके पूरे सर पर लगभग 80,000 से 1,20,000 तक बाल होते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? अब जब सिर्फ हमारे सिर पर ही इतने बाल है, तो पूरे बॉडी पे कितने बाल होंगे? Well, चलो इस चीज की खोज हम इस बात से करते हैं जो बात हमें बालों के बारे में पता है। हेयर का काउंट डिपेंड करता है 2G पर, G फॉर जेंडर एंड G फॉर जेनेटिक्स। आपके सर के बालों की संख्या उनके कलर पर डिपेंड करती है, जो उन्हें मिलते हैं मेलेनिन से, और मेलेनिन का परसेंटेज आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। हेंस द फर्स्ट G इज प्रूव्ड। एंड हर साल ऑन एन एवरेज हमारे बाल 6 इंच तक बढ़ते हैं, लेकिन बॉडी में एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से मेल्स में फीमेल से ज्यादा बाल होते हैं, प्लस उसके साथ वो जल्दी भी ग्रो होते हैं। अब ज्यादा इज इक्वल टू मच, सो मच इज इक्वल टू हाउ मच? वेल, यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मार्क पेगल और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में जेनेटिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर याना कैम्बेरोफ, इन दोनों का कहना है कि पुराने समय में फर ह्यूमंस को रात में ठंड और दिन में सूरज की गर्मी से बचाए रखते थे, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, इन चीजों के लिए हम फायर, शेल्टर और क्लोथिंग का इस्तेमाल करने लगे, यानी बॉडी के हेयर्स हमारे लिए वेस्टिजियल हो चुके थे, जिसके रिजल्ट में धीरे धीरे करके हमारे बॉडी के बाल झड़ गए, और बस वो बचे खुचे जो है, जिन्हें हमने अभी जस्ट गिना, वो वही थे जिनकी आपको जरूरत थी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रसल टटल के रिसर्च अनुसार हमारे आई लैशेस और आईब्रोज में करीबन 420 और 600 जितने हेयर्स होते हैं, जो आईज को डस्ट और डीब्रीज से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो नहीं होते तो आंखों में छोटा सा कचरा जाने का दर्द तो सभी को पता ही है। अब इन्हीं के तरह सर के बाल हमारे लिए बिल्ट इन कैप की तरह होते हैं, जो हमेशा सर को सूरज की कड़कती धूप से बचाते हैं और हमारे सर का तापमान मेंटेन रखते हैं। हमारे पूरे बॉडी में करीबन 25,000 जितने हेयर होते हैं, जिसमें मौजूद प्यूबिक हेयर्स हमारे जेनिटल्स के टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करते हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट वी डू नो इज बाल केराटिन से बने हुए होते हैं, जहां केराटिन इज नथिंग बट एन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन, जो बने होते हैं कार्बन एटम से, विच आर फाउंड इन स्टार्स। तो क्या हम स्टार्स के रिलेटिव्स हुए? मतलब आसमान में जब आप ऊपर देखते हो जिन सितारों को, तो क्या आप अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो? Have you thought about that? Stan Hasselquist, जो न्यू मेक्सिको के जाने माने रिसर्चर है, he says अर्थ की लाइफ 6 कॉमन एलिमेंट्स पर डिपेंड होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फोरस। मिल्की वे के 150,000 से भी ज्यादा स्टार्स की स्टडी करने के बाद स्टेन को ये समझा कि स्टारडस्ट में करीबन 2 डजन से भी ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और अर्थ पर एग्जिस्टिंग लाइफ इन्हीं स्टारडस्ट से बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 97% ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टारडस्ट से बनी हुई है। तो अब ये सोचो कि आपके बॉडी में मौजूद सारे ऑर्गन से लेकर आपके हेयर का एक एक स्ट्रैंड सितारों में कभी बना हुआ है। सो यस, सितारों को दूर का रिश्तेदार बुलाना गलत नहीं होगा, लेकिन स्टार्स के साथ हमारा सिर्फ इतना ही कनेक्शन नहीं है, हमारा पूरा एग्जिस्टेंस स्टार्स पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन आज हमारे गैलेक्सी में करीबन 100 बिलियन स्टार्स मौजूद है, जिनका एवरेज साइज 7 लाख किलोमीटर जितना है, और सिमिलरली ह्यूमन के हेड पर 1 लाख जितने बाल होते हैं, जो साइज में ऑन एन एवरेज 70 माइक्रोन जितने होते हैं। अब एक जगह है विशाल स्टार्स जो हमारे जैसे 1,000 अर्थ को आराम से निगल सकते हैं, और एक जगह पर है एक छोटा सा हेयर जो किसी का भी बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम दोनों का साइज टू काउंट रेशियो निकालने जाए, तो स्टार का रेशियो आता है 7/1 × 10⁻⁶, और वहीं पर हेयर का रेशियो आता है 7/1 × 10⁻⁴। अब साइज के हिसाब से दोनों का पैरामीटर तो चेंज होगा, लेकिन दोनों का रेशियो
एकदम सेम टू सेम है. Isn't it so magical? Kind of like हमारे बाल और स्टार्स दोनों एक दूसरे के साथ ही है. और साथ ही से याद आया, हमारे किसी अनजान जगह पर अकेले सफर करने का अनुभव डर से भरा हुआ होता है और डर कई बार हमें जिंदगी में पीछे रखता है. यहीं पर साथी काम में आते हैं. मान लीजिए आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है या फिर साइड इनकम शुरू करनी हो, इसमें आपका साथी कौन बनेगा? Well, बैंक साथी, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अपने नाम की तरह आज की अनस्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन में आपका साथी बनेगा, क्योंकि इसके जरिए आप जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करने के साथ रेफरिंग और एडवाइसिंग यानी दूसरों को इसे रेफर करके फाइनेंशियल एडवाइस देकर अर्न कर सकते हो. और अच्छे बुरे दोनों ही सिचुएशन में सपोर्ट करने वाले बैंक साथी के साथ हाउसवाइफ से लेकर स्टूडेंट्स, रिटायर्ड बैंकर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड हर कोई जुड़ सकता है बाय गेटिंग ट्रेनिंग जो उन्हें एक्सपर्ट से मिलती है. यानी आपको सिर्फ कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स पर फाइनेंशियल एडवाइजिंग करनी है और हर महीने इससे आप 1,00,000 तक का पे आउट ले सकते हो. अब तक इंडिया भर से 3,00,000 प्लस एडवाइजर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, तो आप भी आज इसके साथ जुड़ो और अर्निंग शुरू कर दो. बैंक साथी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. स्टार्ट गेटिंग योर फाइनेंशियल एजुकेशन. मतलब इतनी नजदीकी सिमिलैरिटी एज इफ दिस वॉज ऑल ब्यूटिफुली मेड. बट क्या सच में इट वॉज ब्यूटिफुली मेड? वेल, स्टार्स और हेयर के साइज का काउंट का ये रेशियो मैंने बनाया है. इनफैक्ट नेचर में मौजूद पैटर्न्स जैसे कि सनफ्लावर का पेटल का स्पाइरल पैटर्न, स्नेल्स के कोन का राउंड पैटर्न, इतना ही नहीं पेड़ के ब्रांचिंग का पैटर्न, इन सारे पैटर्न्स को देख हमने गोल्डन रेशियो बनाया है. हम आज गाने 1-2-1-2 या 2-3-2-2 जैसे बीट्स पे गाते हैं या सुनते हैं. गैलेक्सी का पैटर्न हमारा रेशियो है और यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर हो रही है इंटरनेट या फिर किसी कंप्यूटर के थ्रू. सो आई आस्क यू, व्हाट इज मैथ? बाय डेफिनेशन मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर, ऑर्डर और रिएक्शन का साइंस है जो ऑब्जेक्ट्स के शेप्स को काउंट, डिस्क्राइब और मेजर करने की एलिमेंटल प्रैक्टिसेस से इवॉल्व हुआ है. बट मैथ की बाउंड्री यहीं तक सीमित नहीं है. मैथमेटिशियन रेमंड एल वाइल्डर, इन्होंने अपनी एवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इस बुक में लिखा है कि मैथमेटिक्स साइंस और हमारे डेली लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे मोस्ट ऑफ द पीपल अनअवेयर होते हैं. मोबाइल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर से लेकर आर्ट, मनी, एंशिएंट और मॉडर्न आर्किटेक्चर, इन सब का बिल्डिंग ब्लॉक मैथ ही है. इतना ही नहीं, हाउ टू फेल एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड स्टिल विन बिग, इस बुक के ऑथर स्कॉट एडम्स का ये कहना है कि आपके फेलियर से लेकर आपके सक्सेस तक सारे चैलेंजेस कोई फेट या कर्मा नहीं बल्कि सिंपल मैथ है. और ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ एक पैटर्न है और ये सारे पैटर्न्स, रेशियोज, नंबर्स सब एक मैथ है. मतलब लाइफ इज नथिंग बट मैथ. सो हम चीजों को ट्राई करने से इतना डरते क्यों हैं? आफ्टर ऑल जितने बारी हम कोशिश करेंगे उतना ज्यादा चांस है कि हम सक्सीड होंगे, राइट? बट ओरिजिनली क्वांटम लेवल पर लाइफ मे बी एन इल्यूजन. 1978 में अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मिस्टर जॉन व्हीलर ने अपनी डिलेड चॉइस थियरी प्रपोज की थी, जिसे समझने के लिए जरा ये सोचो कि अगर एक 2-3 साल के बच्चे को केक मत खाना ये बोलकर केक के साथ रूम में बंद कर दिया जाए तो फिर वहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है, एक कि वो केक नहीं खाएगा और दूसरा ऑब्वियसली कि उसने खा लिया होगा. सिमिलरली मिस्टर व्हीलर को यह जानना था कि अगर मूविंग पार्टिकल्स या एटम्स को चॉइस दे दी जाए कि वो वेव और पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव कर सकते हैं तो कौन से टाइम पर वो इनमें से किसी एक फेस को डिसाइड करेगा. यही देखने के लिए साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने हीलियम एटम को लिया और उस पर लेजर बीम से लाइट इंट्रोड्यूस की. अब हुआ ये कि जब उस एटम पर सिर्फ एक लेजर बीम की लाइट डाली गई तब वो वेव या फिर पार्टिकल स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में ही बिहेव करता था, लेकिन जैसे ही दो लेजर बीम्स उस एटम पर पड़ी उसमें लाइट का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, जिस वजह से एटम पार्टिकल्स भी है और वेव भी है कुछ इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा था, जबकि ओरिजिनली ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था. मतलब क्वांटम लेवल पर इल्यूजन है. एंड इसके एक्सप्लेनेशन में एंड्रयू ट्रुस्कॉट जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU में एक फिजिसिस्ट है, उनका कहना है कि अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो तो क्वांटम लेवल पर रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ एक इल्यूजन है. यानी क्वांटम मैकेनिकली लाइफ इज एन इल्यूजन और क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही एस्टैब्लिश थियरी है. सो ऐसा नहीं है कि ये कोई रैंडम सी थियरी से आ रहा है. वेल, लाइफ एक इल्यूजन है या नहीं ये जानने के लिए हमें इल्यूजन को उसके नजरिए से देखना पड़ेगा, यू नो, उसके नजरिए से जो हमारे जिंदगी के हर एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा ब्रेन. इस इमेज के लेफ्ट साइड वाले स्टिल डॉट पर फोकस करके मुझे राइट साइड वाला डॉट कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है वो बताइए. डायगनली, राइट? तो भैया आपकी आंखों को धोखा हुआ है. अब
दूर से देखो तो आपको समझ आएगा कि राइट साइड वाला डॉट असल में वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम उसके अंदर के ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स रोटेट हो रहे हैं, जिस वजह से आपका ब्रेन, यस आपका ब्रेन, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। आपके आंखों के सामने सामने ये रियलिटी है, लेकिन ब्रेन आखिर इल्यूजन क्रिएट कैसे करता है? Well, सिर्फ हम ही क्यूरियस नहीं है, डार्टमाउथ कॉलेज के रिसर्च प्रोफेसर और न्यूरोसाइंटिस्ट पैट्रिक कैवेनैक भी हमारी तरह ही इसका जवाब जानना चाहते थे, और इसीलिए 2019 में उन्होंने अपनी टीम के साथ FMRI यानी कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इस न्यूरो इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक से पता चलता है कि किस एक्टिविटी में हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 9 पार्टिसिपेंट्स को लिया और उन्हें यही इल्यूजंस दिखा के उनके ब्रेन के एक्टिव पार्ट्स का ऑब्जर्वेशन किया, जिसके रिजल्ट में उन्हें ये समझा कि इस एक्टिविटी में ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स तो एक्टिव रहता ही है, क्योंकि आईज से मिली हुई सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाके एनालाइज हो रही है, लेकिन इल्यूजन का एनालिसिस, कॉम्प्यूटेशन और प्रेडिक्शन विजुअल कॉर्टेक्स में नहीं बल्कि ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, जो हायर लेवल थिंकिंग जैसे कि एंटिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग को डेडिकेटेड है। ज्यादातर समय फ्रंटल कॉर्टेक्स की स्टोरीज रियल फिजिकल वर्ल्ड से मैच करती है, लेकिन हमेशा नहीं। हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली हमारे डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए रियलिटी को हमारे परसेप्शन के डायरेक्शन में बेंड करता है, यानी ब्रेन आपकी रियलिटी को बदल रहा है आपके खुद के नजरिए के हिसाब से, विच मीन्स दैट रियलिटी इज एन इल्यूजन। अब हमारे साथ खेले हुए ये सारे खेल, मतलब ये इल्यूजन और स्टोरीज, दिमाग अपने फंक्शनल यूनिट यानी कि न्यूरॉन्स के नेटवर्क में जाके स्टोर करता है। हमारे ब्रेन में करीबन 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कई सारे ब्रिजेस से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें सिनेप्सिस कहा जाता है। वैसे तो बर्थ के समय एक न्यूरॉन के करीबन 2500 सिनेप्सिस होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 साल में वो 15,000 जितने बढ़ जाते हैं। सो जब कुछ ही सालों में वो बर्थ से 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, तो लाइफ टाइम में क्या हम इन्फिनिट सिनेप्सिस फॉर्म कर सकते हैं? वेल, थियोरेटिकली यस एंड प्रैक्टिकली नो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे ब्रेन में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ 7,000 से भी ज्यादा सिनेप्सिस बनाता है, और हमारे हर एक एक्टिविटी में एक नया सिनेप्स फॉर्म हो रहा है। तो इंसान के पूरे लाइफ टाइम के अलग अलग एक्टिविटीज में वो इन्फिनिट सिनेप्टिक ब्रिजेस फॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर इसे प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो ये इन्फिनिट नहीं है। ह्यूमंस की एवरेज लाइफ 72 इयर्स जितनी होती है, पर हमारे अर्ली ग्रोथ के बाद ब्रेन अपने इनएक्टिव सिनेप्सिस को रिमूव करना शुरू कर देता है, जिसे सिनेप्टिक प्रूनिंग कहा जाता है। हमारे 20 साल के होने तक ये प्रूनिंग कंटिन्यू रहती है, जिसमें कई सारे सिनेप्सिस खत्म हो जाते हैं, और यही नहीं, बढ़ती उम्र के साथ